आज जिस तरह से केसीडी कॉलेज के सामने जो एक्सीडेंट हुआ है, जनाब अतीक साहब का एक मैकेनिक थे, उनके मामू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हालात फैमिली के अंदर चल रही है, तमाम चीज़ें हम बात करेंगे कि आप बताइए किस तरह से ये एक्सीडेंट पेश आया, उसके बाद आप क्या मुतालिबा करेंगे इन चीज़ों का। क्या नहीं, मेरे बच्चे के लिए क्या, मैं इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। सुबह जा रहे थे उन्हों काम पे, हादसा ऐसा हो गया। अभी क्या बोलने का, गाड़ी वाले के इसमें आगे क्या पूरा सर कुचल गया, एक आंखी बच गई, एक पूरा ये सब पूरा पूरा उन्होंने टमटम के मैकेनिक है। उन्होंने सुबह 10 बजे घर से निकले, उन्होंने तो क्या एक 10 मिनट में, अभी मैं खाना खा रहा था तो क्या मालूम एक 15-20 मिनट के बाद फोन आया मेरे को, वो भी मेरे दोस्त देखे वहाँ पे। ऐसा हो गया है कि शनाख्त तक नहीं है, बाद में गिरा एक्सीडेंट किसका होगा उन्होंने भी आम खास जा करके आऊँगा, पैकेट बटवा निकल के अंदर आईडी प्रूफ देखे तो ड्राइविंग लाइसेंस था उनका, वो नाम देखे तो क्या अरे बशीर भाई का भांजा है बोल करके आलमा मेरे को इमीडिएट फोन कर सौदागर के पास है बोलकर बोले, वहाँ पे गए तो क्या अलमा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। बोले उस टाइम पे क्या हालत बीतेंगे, और उसमें से 3 बच्चे हैं, उसको एक 9 साल का बच्चा है, एक जुड़वा क्या अलमा 6 साल के बच्चे हैं, 5.5-6 साल के बच्चे। अभी क्या है, रोज़ सुबह उठ के क्या मैं अपना काम वाला अपना घर वाला बोलकर रहता था, अब उसके दरमियान में अब उसके जिम्मेदार कौन है बताए, अब उसका घर का क्या होगा। क्या मुतालिबा क्या करेंगे अभी आप इलेक्टेड अभी क्या करने का, कुछ नहीं, उसका इंसाफ चाहिए बस, उसके उसके बच्चों के लिए और उसकी बीवी के लिए सारा। क्या ये रोड क्या मालूम इतने खड्डे हो गए, इसमें क्या मालूम है सर्विस रोड भी बन रही नहीं यहाँ पे, ये मेन रोड है और उसके अलावा भी खड्डे इतने हैं, गाड़ी राइट जाना लेफ्ट जाना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मेरा भांजा चलेगा ऐसा, अगर दूसरे का भी अगर हो गया तो क्या उनका भी घर तबाह हो जाएगा ये रोड की वजह से। क्या रोड अगर अच्छी हो गई तो क्या कोई तकलीफ ही नहीं रहती। देखिए गुजारिश है कि मेरे बच्चे को भी इंसाफ चाहिए, रोड भी अच्छी बनना चाहिए, क्योंकि पूरी आवाम क्या पूरे मुस्लिम कौम खरगे पंप से लेके हमनाबाद रोड तक ऐसी हालत है, रोज आए दिन क्या हुआ एक आधा हादसा होते रहता, आज 3 हादसे हो गए, एक मनूर के उधर बाद हो गया, वो बच्चा क्या हुआ आया तो वहाँ पे देखने तो उसको लेके जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक बोले तो क्या हुआ उधर रामनगर के आगे एक हादसा हो गया ऐसा, अच्छा एक दिन में 2-3 हादसे हो गए तो क्या सोचने वाली बात है ना।